वेलकम बैक टू द चैनल में फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग लगभग दो साल बाद अपने स्कूल में जाने वाले हैं और स्कूल में हम लोग क्यों जाने वाले हैं ये सब आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कि हम लोग स्कूल में क्यों जाने वाले हैं। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा क्लासमेट है राजकमल। हाय बोलो। हेलो। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि हम लोग लगभग दो साल बाद स्कूल में क्यों जा रहे हैं। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग का स्कूल में साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम होता है, वही देखने के लिए हम लोग को सर ने इनवाइट किया है, जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है, उन्होंने ही हम लोग को इनवाइट किया है स्कूल में जाने के लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, आप लोग जरूर इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अभी आप देख सकते हैं हम लोग रास्ते में ही चल दिए हैं, अपने स्कूल के तरफ रास्ते में चल रहे हैं और यहाँ से लगभग हम लोग का स्कूल कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं स्कूल पर और वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ का साइंस एग्जीबिशन होता है वो आपको दिखलाएंगे। तो गाइज फाइनली अब हम अपने स्कूल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आपके पीछे देख सकते हैं स्कूल में जाने का मेन गेट है ये। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ का जो साइंस एग्जीबिशन है वो आपको दिखलाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है। तो अभी मैंने आपको जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर थे उनसे मैंने आपको मुलाकात करवाया और अब हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं। और अभी यहाँ पर जब हम लोग स्कूल में आए हैं तो अभी यहाँ पर बहुत सारे काम भी बाकी है, अभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है साइंस एग्जीबिशन को लेकर। तो यहाँ पर जब तैयारियाँ कंप्लीट हो जाती है तब आपसे मिलते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ पर एक थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एक होम को सिक्योरिटी करके पूरा सिक्योरिटी करके रखा गया है। जैसे यहाँ पर दो तो
ये वाला, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइटर, मान के चलिए यहाँ पर जब भी यहाँ पर आग लग जाता है तो ये डायरेक्ट अपने जो होम है यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा जैसे यहाँ पर आग लगेगी तो। और इस घर में बहुत सारे भी फंक्शन है, जैसे कि कुछ भी घटना होता है ये अलर्ट हो जाएगा घर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा डैम बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस डैम में जो होता है इसका बोतल से यूज करके बनाया गया है और काफ़ी मतलब एकदम मस्त लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट और बड़े बड़े काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया। और आपने वहाँ पर सबसे फर्स्ट वहाँ पर एक 3D होलोग्राम बनाया गया था जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत था। और अब हम लोग थोड़ा सा और भी बचा है प्रोजेक्ट, वो भी मैं आपको दिखला देते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखलाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया गया है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि कैसे किस तरह से यहाँ पर इरिगेशन होता है। और ये देखिए हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड लोग मिल गए हैं, मेरे क्लासमेट हैं, ये सब आप लोग हाय बोलिए। पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वाटर टैप एंड सैनिटाइजर लगाया गया है जिससे जिसकी मदद से जैसे ही हम यहाँ पर हाथ लगाएंगे, हाथ लगाए यहाँ पर ये अपने आप बिना टैप इसको ओपन किए हुए ही यहाँ पर पानी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है ये, और ये आप देख सकते हैं सैनिटाइजर रूम है, ये वर्क कैसे करता है। से आप यहाँ पर कप की मदद से आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो
गाइज आपने देखा कि आज हम लोग अपने स्कूल गए थे, वो भी 2 साल के बाद, और आपने जान लिया कि आज हम लोग वहाँ पर क्यों गए थे। वहाँ पर हम लोग इसलिए गए थे कि वहाँ पर साइंस एग्जीबिशन था और हम लोग को सर ने इनवाइट भी किया था। तो आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत साइंस प्रोजेक्ट बनाया गया था और वहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल भी लगाए गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।